वेलकम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है और मैं आपके लिए जो जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आ रही हूँ वो आजकल आपको पता है ईद के बाद शादियों का सीज़न है, तो मैंने कहा क्यों ना कोई अच्छा सा फाउंडेशन जो है उसका ही रिव्यू दिया जाए। और मैं इस दफ़ा एक प्रोडक्ट का नहीं दो प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको एनोस्ट रिव्यू दूँगी और मैं उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल भी बताऊंगी कि उसको कैसे यूज़ करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं और कितना कॉस्टली है, क्या वो महंगा है, क्या उसकी ओरिजिनल है या नहीं है, उसकी क्या निशानियां हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। और मेरी वीडियो का आपने पूरा वॉच करना है, तब फिर ही आपको पता चलेगा कि उस फाउंडेशन में क्या क्वालिटीज़ हैं और जिन जो प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देने के लिए जा रही हूँ उनमें क्या डिटेल है उनकी और उनको कैसे यूज़ करना है। चलें जी, चलते हैं फिर अब प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती और हम आपको प्रोडक्ट की तरफ लेके चलें जी। तो मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आ रही हूँ वो है जी फाउंडेशन ST लंदन सिल्क इफेक्ट, उसका जो फाउंडेशन है वो है जी इसकी ये वेल्वेटी है, क्रीमी है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हाई कवरेज है। ये देखिए इधर ये सारा कुछ इसकी डिटेल ऊपर लिखी हुई है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऊपर डिटेल लिखी भी होती है लेकिन फिर भी हमें वो यूज़ करने ही नहीं आती और हमें पता नहीं चलता कि ये कैसा इसका रिज़ल्ट होगा कैसा नहीं होगा। अच्छा जी, आज हम इसको मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये आपकी किस किस स्किन किस टाइप की स्किन के लिए इसको ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। और इसकी ख़ूबी ये है इस फाउंडेशन की कि ये जो है वो दोनों स्किन के लिए, मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए बेस्ट है। ये मत सोचिएगा कि नहीं जी ऑयली वाले इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ये ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं। इसकी ख़ूबी ही यही है कि इसको दोनों टाइप जो स्किन है ना उसमें यूज़ हो सकती है और माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जब इसका इस प्रोडक्ट के साथ मेकअप किया था ना, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी तारीफ़ हुई थी ना कि आप सोच सकते हैं कि कितनी तारीफ़ हुई होगी। सब मुझे कह रहे थे कि तुमने फेस पर लगाया क्या है, मैंने कहा मैंने जो लगाया ना मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने क्या लगाया, मैंने कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया। मैं कहती हूँ इतना इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, मैं ये कहूँगी कि आप इसको ज़रूर ख़रीदें। महंगा ज़रूर है कोई बात नहीं, लेकिन स्किन के मामले में, मेकअप के मामले, आपको पता है कि औरतें जो हैं वो अपने मेकअप के मामले में कम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको ज़रूर ख़रीदें। और आप अगर किसी अच्छे इवेंट में जा रहे हैं या किसी अच्छे फंक्शन में जा रहे हैं, आपका मेकअप ही अच्छा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, पिक्स बनाने में मज़ा नहीं आता, फंक्शन अटेंड करने में मज़ा नहीं आता, तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर ख़रीदें। अब ये तो बात होगी फाउंडेशन की। अच्छा जी, फाउंडेशन हमने कंसील कर लिया, हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप है हमारा कॉम्पैक्ट का, यानी कि अब हम इसके साथ कॉम्पैक्ट कौन सा यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। मेरे साथ वीडियो में साथ रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि इसके साथ कौन सा जो है वो कॉम्पैक्ट जो है वो यूज़ करना है। हाँ जी जी, मैंने जो इसका कॉम्पैक्ट लिया है वो इसी ही कंपनी का लिया है, मैंने कॉम्पैक्ट कोई और यूज़ नहीं किया। तो इसका जो माशाल्लाह कम्पैक्ट है, ये देखें जी इसकी कितनी खूबसूरत इसकी पैकिंग है और कलर कम्बिनेशन भी कितना अच्छा है इसका, देखने में भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ब्रांडेड चीज़ है लेकिन है भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ देखने में ब्रांडेड लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं, लेकिन ये जो है ना वो आप देखें इसका कमाल का रिज़ल्ट है, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग है। अगर आप वो फाउंडेशन परचेज़ करते हैं तो फिर आप इसका जो कम्पैक्ट है वो इसके साथ ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन सबसे डिफरेंट लगे, आपका मेकअप सबसे अच्छा लगे, तो अब आप फिर जो है वो इसका अच्छा कम्पैक्ट भी साथ खरीदें। तो इसका जो कम्पैक्ट है ये देखें जी, मेरे पास जो इसकी शेड है वो जी है नेचुरल की, तो कम्पैक्ट जो है जी बहुत ज़बरदस्त है ये। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये भी जो है जी मेड इन इटली है, और जो इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो आप इसको मेरा ख़्याल है कि इसको आप ना अगर कोई अच्छा मेकअप करे और अगर आप इसको भर भर के यूज़ करते हैं तो फिर ये आपका जो कॉम्पैक्ट है वो तकरीबन 6 से 7 मेकअप करेगा। तो अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें और इसका जो टेक्सचर है अंदर का वो कैसा है, कि मतलब आप जैसे कि एक पाउडर टाइप होता है, आटा टाइप जिसको कहते हैं वो होता है, कहीं वो तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको फाउंडेशन को इस लगा के
उसके बाद ये कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है ना वो पहचानी नहीं जाएगी और आप माशाल्लाह इतनी अच्छी लगेंगी ना कि आप ख़ुद कहेंगी कि वाकई मुझे सही रिकमेंड किया है कि इसके साथ ये वाला कॉम्पैक्ट लेना है। चलें जी अब इसको ओपन करते हैं और मैं आपको जो है वो इसका जो इसका मटेरियल है वो मैंने इसको ओपन कर लिया। आप ये देखें जी, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं प्रोडक्ट जो है वो न्यू का रिव्यू नहीं देती, मैंने यूज़ किया हुआ है और ये देखें काफ़ी हद तक यूज़ भी हो गया है। तो इसका स्पंज जो है वो इसके साथ ही मिलता है और आपने इसको अप्लाई जो करना है वो आपने इसको टाइप 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 करना है कि मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ये देखें जी, मैं आपको बड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ कि इसका जो है वो कैसा है। अब मैं इसको आपको फिंगर के साथ दिखाती हूँ। ये देखें जी कि वो चीज़ नहीं है कि अगर आप इसको कहें कि ये जी बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गया है इसको कम करें, नहीं, ये फाउंडेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लगाएंगे इसको मतलब इसके साथ मेकअप करेंगे तो मैं कहती हूँ आपकी जो मेकअप में चार चांद लगेंगे ना वो इसी फाउंडेशन और इसी जो है कॉम्पैक्ट के साथ लगेंगे। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर ख़रीदिएगा क्योंकि ये माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है और क्लाइंट बड़े खुश होते हैं इसके साथ क्योंकि हम लोगों ने तो यूज़ करना होता है। मैं कहती हूँ कि अगर आपने मेकअप करना है तो फिर ज़ाहरी बात है कि ऐसा करें कि अगला बंदा याद रखे कि वाकई किसी ने मेकअप किया था। मुझे दो नंबर प्रोडक्ट पसंद नहीं है और एक नंबर प्रोडक्ट का मैंने हमेशा जब भी आपने मेरी बाकी वीडियोस भी देख लें कि मैंने जो है वो रिव्यू हमेशा जो है वो एक नंबर प्रोडक्ट का दिया, मैंने कभी दो नंबर प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं दिया क्योंकि उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते, वो आपकी स्किन के लिए जो है वो ठीक नहीं हो सकते। आपकी स्किन पे एलर्जी हो सकती है, आपकी स्किन पे जो है वो स्पॉट मतलब फ्रैकल्स या कोई आपकी छाइयाँ या कोई दाने वगैरह या आपकी स्किन पर हो सकते हैं, तो मैं जो है वो इस तरह का रिस्क नहीं लेती। सो मैंने जो आज का रिव्यू देना था वो मैंने आज का आपको रिव्यू दिया दो प्रोडक्ट का। दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये जब भी ख़रीदें तो आप ये दोनों प्रोडक्ट ख़रीदें ताकि आपका मेकअप जो है वो अच्छा हो और आप सबसे अलग लगें और सबसे खूबसूरत लगें। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा तब तक के लिए जब तक अगली वीडियो नहीं आती और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, किसी अच्छी प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आऊँगी। और तब तक के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा करेगा क्योंकि आपको नहीं पता कि इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम इसकी जो है वो एक एक डिटेल निकालते हैं और निकाल के फिर आपको रिव्यू देते हैं। आपने जस्ट एक लाइक करना होता है तो प्लीज़ काइंडली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और जिस बंदे ने ये फाउंडेशन ख़रीदा है या ये कॉम्पैक्ट ख़रीदा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले मैंने अच्छी प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है। तो जितने रिव्यू होंगे मैं ये समझूँगी कि उतने लोगों ने ख़रीद लिया है या ख़रीदना है। आपके लिए ज़्यादा दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई प्रोडक्ट के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।